5 का सोशल स्टडीज़ का ये चैप्टर 4 है। किसी बुक में चैप्टर 4 भी हो सकता है, किसी में चैप्टर 5 भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम एक ही होगा, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब यहाँ पर ये समझना हो, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या चीज़ है, तो लोकतांत्रिक, रिपब्लिक क्या चीज़ है, जिसका हेड जो है वो मतलब कि जनता के द्वारा चुना जाएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो यहाँ पर कांगो से बना है, तो अब यहाँ पर है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। तब सवाल उठता है कि कांगो है कहाँ, तो ये अफ्रीका का शॉर्ट व्यू है। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका का अगर आप इधर में देखेंगे तो यहाँ पर एशिया है, एशिया से ये सऊदी अरबिया जो है वहाँ से ये टच होता है और अफ्रीका का ये होता है। और यहाँ पर ये जो डेमोक्रेटिक, सिर्फ इस पिक्चर से हम ये समझाना चाहते हैं कि इसका जो एरिया है ये येल्लो कलर का है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब क्या, तो ये जो है अफ्रीका का तीसरा सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और सबसे बड़ा अफ्रीका में कंट्री कौन सा है, सूडान, अल्जीरिया, और उसके बाद देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब हम बताएं सूडान, इस नोट्स में बाद में आते हैं, पहले दूसरे में आप देखते हैं कि सूडान, अल्जीरिया, उसके बाद देखिए ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ये कांगो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये अल्जीरिया है सबसे बड़ा, ये सेकंड में अल्जीरिया, उससे बड़ा ये देखेंगे तो ये सूडान है। सूडान जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से सटा हुआ टच है, तो ये सूडान है। सूडान जो है सबसे बड़ा, फिर अल्जीरिया, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये कांगो। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर सूडान एंड अल्जीरिया। तो इसका अब हम देखेंगे टोटल एरिया क्या है, तो इसका जो टोटल एरिया है इसको 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी इसका जो टोटल एरिया है 23.5 लाख, यानी 23.5 लाख स्क्वायर, स्क्वायर में क्या स्क्वायर है तो किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका जो एरिया है पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये कांगो का वहाँ तक एरिया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसके आसपास कौन कौन पड़ोसी देश हैं। अगर इसमें देखेंगे, इसको गौर करेंगे, तो यहाँ पर सूडान है। सूडान कहाँ पर है, तो इसको क्लियर है कि सूडान और सेंट्रल अफ्रीका, ये जो सेंट्रल, और एक याद रखिएगा कि रिपब्लिक अफ्रीका भी, ये सेंट्रल सॉरी रिपब्लिक है उसका, एक रिपब्लिक कांगो भी है, तो ये दूसरा कंट्री है। तो नॉर्थ में जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सूडान है, ये देख रहे हैं ये सूडान है, इसका जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का। इसके बाद देखिए अगर इसको रिपब्लिक ऑफ कांगो के अगर वेस्ट में देखेंगे, वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि वेस्ट में होगा अंगोला, जाम्बिया, ये सब जो दिख रहा है आपको साउथ में दिख रहा है, वेस्ट में तो यहाँ दिख रहा है कि ये चीज़ है। फिर ईस्ट में आपको दिख रहा होगा कि युगांडा, तांजेनिया, युगांडा, तांजेनिया, इथुसिनिया, रवांडा, बुरुंडी, ये सब जो है यहाँ पर इसके बाउंड्री के आसपास जो पड़ोसी देश है, तो ये यहाँ पर हो गया इसका। अब इसको एक चीज़ और समझना होगा कि अगर रिपब्लिक ऑफ कांगो को देख लेंगे तो ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, ये इक्वेटर है, समझने को इस करिए अच्छा से, इक्वेटर है। यानी इक्वेटर का अगर हम आसपास का एरिया, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ द नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23 डिग्री हाफ एंड नॉर्थ, तो इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से जो ये जोन आता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टोरिड जोन या इक्वेटोरियल रीजन। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, या इसको टोरिड जोन भी कहते हैं। और इस जगह का फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में आएंगे बाद में, इसको चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर ये समझेंगे कि सबसे पहले कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है यहाँ से ये जो गया हुआ इक्वेटर, तो 33% यहाँ पर जो 33% एरिया जो रिपब्लिक कांगो है उसका नॉर्थ हेमिस्फेयर में पड़ता है, और 67% इसका जो एरिया है साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। यानी इसको ये कह सकते हैं कि 1/3 एरिया और 2/3 एरिया, 1/3 एरिया इज फॉल इन द, और 1/3 एरिया ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द कांगो फॉल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड जिसको सेकंड, एंड अबाउट टू थर्ड एरिया इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। अब इसका जो कैपिटल है, विच इज द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो किंशासा। अब इसका हम लोग यहाँ पर आते हैं नोट्स से, चलते हैं नोट्स में, उसके बाद देखिए हम आगे इसको फिर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर अगर शुरुआत में देखेंगे तो DRC, इसको शॉर्ट नेम से DRC के हम लोग जानते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। DRC इज अ कंट्री लोकेटेड डीप इन द हार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कि यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक गहरा हार्ट है, मतलब दिल का ये, कि बीच में बसा हुआ अफ्रीका का।
अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अब ये ईट लाइज टोरिड जोन, टोरिड जोन मतलब क्या बताया कि जो बताया इक्वेटर और वो जो नॉर्थन हेमिस्फेयर का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिंग को बीच का एरिया है, तो उसको टोरिड जोन कहते हैं। तो टोरिड जोन इज द एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैपिटल अभी जस्ट बताया किन्शासा। इट इज द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट क्यों? अब यहाँ पर बताया कि जो एरिया अगर इक्वेटर के पास में हो, अगर ये इक्वेटर है 0 डिग्री इक्वेटर इसके पास में हो, तो यहाँ पर जो सन का रेज है डायरेक्ट फॉल करेगा, यानी दिन बहुत गर्म होगा। दिन गर्म होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि रोज़ बारिश होगा। इवनिंग में लगभग 4 बजे के आसपास में डेली रेन होगा, और डेली रेन होगा तो वहाँ का जो जंगल होगा वो घना होगा, डेंस होगा। तो इसका जो आगे हम लोग फॉरेस्ट में आएंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। तो द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न DRC, नॉर्दर्न DRC इक्वेटर पास होता है। अब ये इसका हिस्ट्री अगर जानते हैं तो इस शुरुआत में इसमें बेल्जियम का शासन था, जैसे हम लोग के कंट्री में इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में शासन किया था, तो वैसे ही इट वॉज रूल्ड बाई बेल्जियम टिल इट बिकम इंडिपेंडेंट 1960। जो कांगो को जो मैंने ये मिला बेल्जियम से स्वतंत्रता मिली वो 1960 मिला, और उस समय उसको बेल्जियन कांगो कहा जाता था उससे पहले, लेकिन 1971 तक ये जायरे कहलाया, और 1997 में 1997 आते आते इसका नाम हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका नाम बदल के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 1997 में, और अब तक यही है, और इसका किंशासा है। तो कांगो गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम बेल्जियम इन 1960 एंड 1971, जो कि जायरे से लेकर 1997 कंट्री वाज ऑफिशियली ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जायरे, यानी जायरे या रिपब्लिक ऑफ जायरे कहा जाता था। अब जायरे किससे नाम आया? जो जायरे आया है या जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको पहले जायरे कहते थे, तो ये इसका जो मीनिंग होगा यहाँ देखेंगे आप कि जायरे इज ए वेरिएशन ऑफ टर्म मीनिंग ग्रेट रिवर, कि महानदी है लोकल अफ्रीकन लैंग्वेज लाइक द कंट्रीज करेंट नेम, जैसे देश का नाम है कांगो या बेसिन है तो उसी तरह से इसको कहा जाता था। तो यहाँ पर इट रेफर्स इन द कांगो रिवर, इसको कांगो रिवर के नाम से भी जानते हैं, कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको फिजिकल फीचर्स कहा जाए, तो अभी जस्ट बताया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लाइज इन द हार्ट ऑफ द कांगो रिवर बेसिन। कांगो रिवर बेसिन मतलब क्या हो गया कि जिस नदी को या जिस एरिया को जहाँ पर पानी मिलता है या ड्रेन होता है, द एरिया विच इज ड्रेन बाई एन वाटर या एनी रिवर दैट इज नोन एज द बेसिन। तो ये किस नदी से है? कांगो रिवर बेसिन। तो कांगो जो लैंड अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, कांगो इज बाउंडेड बाई द नियर सेंट्रल अफ्रीकन और साउथ सूडान जो है नॉर्थ में है, ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया है, साउथ में जाम्बिया और अंगोला है, और वेस्ट में जैसे हम पहले बताए कंबीडा, कांगो ब्राजीलियन या रिपब्लिक कांगो है। रिलीफ इसका पहाड़ कैसा है, कैसे कैसे टॉपोग्राफी है इसका, तो द कंट्रीज मेजर टोपोग्राफिक फीचर्स, यानी जंगल कैसा है, तो लार्ज रिवर बेसिन सबसे बड़ी नदी है, जैसे मेजर रिवर वैली जैसे बन जाता है, हाई प्लेट्यू है, प्लेट्यू माने ऊपर इस तरह से लैंड होगा, टेबल लैंड जैसा होगा। फिर थ्री माउंटेन रेंज है, तीन माउंटेन रेंज कौन कौन है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो अगर गौर करेंगे जिसमें हम इसमें नोट्स नहीं लिखे कि कांगो रिवर बेसिन, जो कांगो रिवर बेसिन है इज सराउंडेड बाई माउंटेन एंड प्लेट्यू एंड थ्री ऑन थ्री साइड, तीनों साइड से गिरा हुआ जैसे बेसिन है। तो पहला जैसे ये रुवेनज़ोरी, जैसे अगर रुवेनज़ोरी RUWENENZORE रुवेनज़ोरी कहा जाता है, ये जो पहाड़ है ये ईस्ट की ओर है, और कटांगा जो प्लेट्यू है वो साउथ की ओर है, और माउंट मार्ग ये माउंट MARG मार्गेट्रिया, ठीक है, मार्गेट जो ये मार्गेरिटा, माउंट मार्गेरिटा जो है जो कि 5100 मीटर हाइट है, ये जो है हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। यानी आप अगर कांगो का अगर देखेंगे रिपब्लिक जो मैंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो इसका जो हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है या जिसको जैसे माउंट एवरेस्ट है उस तरह से जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो याद रखिएगा कि मार MAR मार फिर AGH मार्गेरिटा, तो मार्गेरिटा जो माउंट है जो पहाड़ है सबसे ऊंचा है, और इसका हाइट है लगभग जो है 5100 मीटर, ये इसका हाइट है 5100 मीटर इसका हाइट है। तो यहाँ पर इसको रिलीफ देख रहे हैं तो इसी चीज़ की यहाँ चर्चा की गई। फिर ड्रेनेज एंड सॉयल, इसका सॉयल कैसा है, तो कांगो रिवर जो अपने साथ जो एक है अलुवियल सॉयल लेता है, जब भी किसी नदी से अगर पानी आता तो अपने साथ सिल्ट और बहुत सारा चीज़ रेड डिमेन आता है, तो इसी चीज़ के यहाँ लिखा हुआ है कि कांगो रिवर इंक्लूडिंग 13,000 ये 1,00,000 यानी ये कहिए कि 1,000,000 36,000 स्क्वायर माइल जो है, और इसको ये कह सकते किलोमीटर जो बेसिन है, इतना लंबा है और मेन ड्रेनेज सिस्टम है।
रिवर राइजेज इन हाई इन द कटांगा प्लेट्यू और ऊंचा रहता है इन नॉर्थ में, और ये इसके जाते जाते ये इक्वेटर की ओर दो बार गुजरता है, और लोअर फ्लो में साउथ में आता है मटाडी में, जैसे कि हम बताया कि आगे कि ये गिरता है। अब इसका क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट कंडीशन है निश्चित है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि ये इक्वेटोरियल रीजन में है, तो यहाँ दिन भर जो है दिन बहुत गर्म होता है, जिसके चलते शाम होते होते रोज़ बारिश हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ कांगो लाइज विद इन द इनर ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन 5 डिग्री नॉर्थ, तो खैर जैसे अगर हम देखें 0 डिग्री है, और अगर नॉर्थ में देखेंगे तो ये ऊपर में 5 डिग्री में बसा हुआ है, और साउथ का अगर जाएंगे तो ये साउदर्न प्लेटी में, जिसमें से बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, या ये बोल सकते हैं कि द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे वर्ष जो है ये गर्म और ह्यूमिड रहता है ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द इक्वेटर। तो ये चीज़ का बताया जाए, लेकिन आफ्टरनून होते होते इन द आफ्टरनून द स्काई इज़ फुल ऑफ डार्क क्लाउड, मैंने बादल में ढक जाता है, विच प्रोवाइड्स हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट एवरी डे, कि रोज़ वहाँ पर बारिश होता है। तो टोटल रेनफॉल जो उसका लगभग जो ये किया गया है कि कितना रेनफॉल होता है, तो 200 सेंटीमीटर पर ईयर, इतना ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है। तो ये इसको अगर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो नॉर्थ में, और उससे कम होते अगर जाएंगे तो साउथ में। प्लांट और एनिमल लाइफ की बात करें तो हार्ट ऑफ कांगो बेसिन इज ब्लैंकनेट इन द इंट्रीम फॉरेस्ट सिस्टम कॉल इन द इक्वेटेरियल रेनफॉरेस्ट, जैसे हम बताया कि इक्वेटेरियल रेनफॉरेस्ट भी कहा जाता है या ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट भी कहा जाता है, और इसका जो हाइट होता है, पेड़ जो होता है उसका हाइट होता है 130 to 160 feet ऊंचा होता है, यानी 40 से 50 meter ऊंचा पेड़ सब होता है। ईस्टर्न जो प्लेट्यू है वो कवर्ड है ग्रास लैंड से जो और माउंट से एवरेस्ट से, तो यहाँ पर क्या क्या पाता है, बम्बू थिकट एफ्रो एल्पाइन वेजिटेशन ये सब ऊंचा में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसको अलग अलग नाम से भी दिया गया है, तो इसको अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो इसको हम डिटेल देख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कि द फॉरेस्ट हैव लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज एलोंग विद द क्रीपर्स, या रेंगने वाला हो, क्लाइंबर चढ़ने वाला हो, या सार्स हो। मेन ट्रीज आर, जो मेन ट्रीज यहाँ पर जो पाया जाता है, इबोनी, याद रखिएगा कौन कौन ट्री पाया जाता है, इबोनी पाया जाता है, फिर महागोनी पाया जाता है, इबोनी महागोनी, उसके बाद जाके जो तीसरा जो पेड़ पाया जाता है रोजवुड, यहाँ पर जो है ये रोजवुड, तीन तरह का यहाँ पर ट्री पाया जाता है, ये डब्ल्यू है रोजवुड। तो ये जो यहाँ पाया जाता है ट्रॉपिकल पाया जाता है, तो जो सवाना ग्रासलैंड है वो आर इन द नॉर्थ एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये चीज़ें यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं तो ये देखेंगे कि चिंपांजी कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जिसको गोरिला लिव इन द फॉरेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं लैक किबू, जो कि ट्रिब्यूटरीज है या झील है जिसका आर्टिफिशियल झील है। तो उसका देखिए बोनाबो आर द प्रेजेंट थ्रू आउट द फाउंड ओनली इन द लो लैंड, जो नीचे का लैंड एरिया है कांगो रिवर, वहाँ पर बोनाबोस पाया जाता है। फिर एलिफेंट और अलग प्रकार का मंकी या बबून जो है वो सवाना वुडलैंड में पाया जाता है। फिर काउची ब्यागा जो कि नॉन फॉर डायमंड फाउना है, वो उसका पॉपुलेशन जो खतरे में है वो लोअर लैंड में पाया जाता है, जिसको गोरिलाज या सालंगा भी कहा जाता है। तो ये देखा पीपुल यहाँ का कैसे हैं, तो इसको चर्चा करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या चीज़ है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसी जंगल में यहाँ पर एक पॉइजनस जो फ्लाई है, जिसको जिसको कीड़ा कह सकते हैं, उसको टिस जो है ये खतरनाक पॉइजनस कीड़ा है, ये भी यहाँ पर घूमता है, कि द पॉइजनस टिस फ्लाई बिलोंग टू दिस रीजन, इसी रीजन से आता है। और टू सेव द वाइल्ड लाइफ फ्रॉम हंटिंग फॉर प्लेजर द गवर्नमेंट है सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी बहुत पाया जाता है। अब इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है पीपुल लोग कैसे हैं, तो मोर देन 200 अफ्रीकन इथनिक ग्रुप इन कांगो, कि 200 अलग अलग प्रजाति के हैं, जिसमें से मेन इम्पॉर्टेंट है बांटू पीपुल, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसका, और शुरुआत में जो दूसरे जो कम पॉपुलेशन है उसका नन बांटू का। लैंग्वेज क्या क्या है, तो 200 से ज़्यादा लैंग्वेज कांगो में बोला जाता है, लेकिन एक दूसरे से जब बात करते हैं वो लोगों का, तो वहाँ पर जो चार ही नेशनल लैंग्वेज है जो कि वहाँ पर बोला जाता है, एक स्वाजी, फिर तुसुलुबा, लिंगाला और कोंगो। फ्रेंच जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, फ्रेंच भाषा वहाँ बहुत ज़्यादा बोला जाता है। रिलीजन कौन कौन है, धर्म कौन सा है, तो यहाँ पर क्रिश्चियन भी पाया जाएगा आपको, ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर क्रिश्चियन को छोड़ दें तो कुछ यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भी पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया सेटलमेंट पैटर्न, कैसे कैसे ये जो रिपब्लिक जो आपको देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कैसे लोग इसमें रहने लगे। तो सबसे पहले हो गया पीपुल हैव लॉन्ग लिव्ड इन मोस्ट रीजन ऑफ कांगो, कि लोग कांगो में जहाँ तक रहते थे, लेकिन समय बीतते गया, ओवर टाइम दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, वो लोग धीरे धीरे सीख गया कैसे खेती करना है। तो फॉरेस्ट पीपल सच एज जैसे बामोटी, जिसको पिगमीज में कहा जाता है, और ऑफ द इतुरी फॉरेस्ट पाया जाता था,
तो उसका एक ये वो जो था हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, और जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया तो वो उनका सेकेंडरी था। लेकिन कुछ एरिया में अगर साउदर्न पार्ट में जाए कंट्री का, तो पीपुल जो है जानवर पालने लगा और पोल्ट्री यानी मुर्गी भी पालने लगा, और धीरे धीरे माइंस भी जो कॉपर और आयरन ओर निकालने लगे। सम ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाना, बीबी और बोमा, ये तीन शहर है वहाँ पर जो कि ज़्यादा बहुत प्रसिद्ध है। और किन्शासा जो कि 1966 में था, उससे पहले इसका नाम था लीपोल्टोबिली। किन्शासा का क्या पहला नाम था? ल्यूपोल्डविल। तो ऑफिशियल सीट था नेशनल के लिए ये थी। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि जो बांटू निग्रो था या पिगमिस था, वो लोग धीरे धीरे जो अपना सेटलमेंट लाइफ में आ गए। अब इसको अगर इसको आप ठीक से समझेंगे तो वर्सिट है सबाना आर। सबाना क्या है? तो चार ऑप्शन से इसको दे सकते हैं। डीआरसी एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स, डीआरसी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो क्या एक्सपोर्ट करता है? तो चार ऑप्शन से इसका आप आंसर लिखिए। अगर कोई आंसर नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसको आंसर बताऊँगा। इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ डीआरसी कैनोपी आर फॉर्म्ड बाय, कैनोपी कैसे बनता है? कैनोपी मतलब एक साइज बन जाता है, इस तरह से साइज बनता है। तो कैसे बन जाता है? क्या पेड़ से होता है, शॉर्ट ट्री से होता है, या बड़ा पेड़ से होता है? तो हम पहले ही बता दें कि यहाँ का पेड़ कितना ऊंचा होता है। विच ऑफ दीज एनिमल विल नॉट फाउंड इन द सवाना, कौन सा जो यहाँ पर जानवर है नहीं पाया जाता सवाना, ये इसमें सवानस में। तो इसको आप देखिए यहाँ पर। फिर समर इन द डीआरसी क्या होता है, यहाँ पर गर्मी में क्या होता है? ट्रू फॉल्स देना इसमें। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डीआरसी इन द रिवर नील, कि अगर डीआरसी का सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट रिवर है नील है। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो कांगो रिवर है वो अफ्रीका का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और दुनिया का जो है सातवां सबसे लंबा या लॉन्गेस्ट रिवर है। यानी ये बोल सकते हैं कि द कांगो रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द अफ्रीका एंड द सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया कांगो रिवर हैज मेनी एंड मैंने रैपिड्स या वाटरफॉल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ट्रू फॉल्स का है, इसको आप इसको मैंने पाउज करके सारा आंसर बनाइए। उसका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप पाउज करके आंसर लिख सकते हैं। डिस्क्राइब करना है कि द लैंडस्केप ऑफ डीआरसी, डीआरसी का लैंडस्कोप यानी उसका कैसा जमीन में है। तो यहाँ से आप सारा आंसर लिखे, कोई नहीं आएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में बोलेगा। थैंक यू।